एसएन मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का निर्माण 2019 में शुरू हुआ और 2023 में संपन्न हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग का उद्घाटन सितंबर 2023 में किया, फिर 2024 में मरीजों की भर्ती करने और ऑपरेशन की सुविधा शुरू नहीं हो पाई। एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को और बेहतर सुविधा देने के लिए सितंबर 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जो सुपर स्पेशलिटी जो बिल्डिंग बनाई गई है इसका उद्घाटन किया। अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा इस बिल्डिंग को दिखाएं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग है। इसमें जो जो गंभीर मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जाएगा, ये पूरी सर्जरी हार्ट और जो कई गेस्ट्रो की कई इसमें सर्जरी की इसमें डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। लगातार ऐसे मरीजों को यहाँ पर इलाज किया जाएगा जो गंभीर मरीज होते हैं और जिनको जो है बाहर ले जाया जाता है। ये वो रास्ता है, ये जो ओपीडी के लिए रास्ता है। और ये आप देखें और ये जो ये सामने पूरी बिल्डिंग बनाई गई, ये बिल्डिंग को पूरा इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है कि पूरी जो जो विंडो है उसको भी बाहर से कवर्ड किया गया है कि ताकि जो बाहरी जो शताब्दी तरफ जो बंदर होते हैं वो अंदर प्रवेश ना कर सकें और जो अंदर से कोई सामान बाहर ना फेंका जा सके। तो पूरी बिल्डिंग को पूरा हिसाब से बनाया गया है। पर सबसे बड़ी विंडमन की बात है कि सितंबर में इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यहाँ पर उद्घाटन किया, क्योंकि यहाँ पर जो आगरा के जो सांसद हैं जो सांसद हैं एसपी सिंह बघेल, उन्होंने एक कार्यक्रम अंगदान कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ पर करवाना था केंद्रीय मंत्री से। उन्होंने दो कार्यक्रम यहाँ पर किए, बिल्डिंग का उद्घाटन किया और दूसरा जो अंगदान जो कार्यक्रम है उसका उद्घाटन किया। फिर भी इस बिल्डिंग को अभी तक इंतज़ार इसी बात का है कि उद्घाटन हो गया, कब इसमें ऑपरेशन होने शुरू होंगे, कब गंभीर जो मरीज़ हैं उनको कब यहाँ पर भर्ती किया जाएगा, ताकि जो हार्ट की जो जो एंजियोग्राफी जो होती है, जो एंजियोप्लास्टी जो होती है वो यहाँ पर शुरू हो सके। जो कि प्राइवेट में इसका काफ़ी पैसा जो है चार्ज होता है, लोगों की जो जमा पूंजी है वो उसमें खर्च हो जाती है, काफ़ी संपत्ति लोगों को तो बेचनी पड़ती है इस हार्ट के इलाज में। साथ में जो सर्जरी की जो गेस्ट्रो की जो पेट की जो सर्जरियाँ होती हैं जिसमें आँतों की या फिर मल के रास्ते की जो सर्जरियाँ जो की जाती हैं वो भी इस विभाग में शुरू होंगी, उसके लिए मॉड्यूलर ओटी बनाया गया। पर अब इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द मशीनें यहाँ पर लगें, इंस्टॉल की जाएँ और लोगों को एक बेहतर इलाज यहां पर शुरू हो पाए। कैमरा अनूप के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सबसे लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।